रविवार को सुपेला में लगने वाले संडे मार्केट में बेहतरीन ढंग से व्यापार करने वाले दुकानदारों और अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। दुकानदारों के कई अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान कई बार अप्रिय स्थिति भी निर्मित होती देखी गई, लेकिन पुलिस के सख्त रवैये के सामने किसी की नहीं चली। सुपेला स्थित संडे मार्केट के व्यवस्थित रूप से संचालन, अवैध कब्जेधारियों को खदेड़ने, दुकानदारों के अवैध निर्माण और दुकानों का सामान सड़क पर फैलाकर व्यापार करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के तहत रविवार को सुबह 4 बजे से ही नगर निगम के अधिकारियों सहित तोड़फोड़ दस्ते के कर्मचारियों और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते के कर्मचारी JCB और डंफर वाहनों के साथ संडे बाजार में उपस्थित थे। सुबह से ही सड़क पर सामान फैलाकर व्यापार कर रहे अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। इसके साथ ही सुपेला चौक से गदा चौक के बीच दुकानदारों के अनेक कच्चे पक्के अवैध निर्माणों को JCB से ढहाया गया। पहली बार नगर निगम की टीम ने पूरी गंभीरता के साथ अवैध निर्माणों को ढहाने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कई बार अप्रिय स्थिति का सामना भी निगम अधिकारियों को करना पड़ा, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी की वजह से किसी भी कब्जेधारी की नहीं चली। सड़क के दोनों ओर के अवैध निर्माणों को ढहाया गया, साथ ही अवैध निर्माण से संबंधित सामग्रियां जब्त की गई। कार्रवाई के बीच निगम अधिकारियों ने किसी की नहीं सुनी, केवल JCB के चालकों को अवैध रूप से बनी दुकानों में बुलडोजर को घुसाने दिशा निर्देश देते नजर आए। कार्रवाई के दौरान सड़क पर लंबे वक्त तक जाम की स्थिति भी बनी रही। अवैध कब्जा हटाने के दौरान मौजूद नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये सब जो पार्किंग है, उस पार्किंग के बाहर जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, ट्रैफिक को देखते हुए ये अभियान पहले भी चला था, और फिर भी उसके बाद भी लोग जो है बाहर आके लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में परेशानी हो रही है। तो ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए और पार्किंग की व्यवस्था बनाने के लिए ये कार्रवाई। सर, चूंकि देखा जाता है कार्रवाई के बाद भी कुछ दिनों पश्चात नहीं, अब आप कानूनी कार्रवाई भी साथ साथ होगी और जुर्माना भी बहुत लगेगा। वहीं मौके पर मौजूद भिलाई नगर CSP राकेश जोशी ने पुलिस बल की मौजूदगी और व्यवस्था को लेकर जानकारी दी। नगर निगम द्वारा सुपेला चौक से गदा चौक तक अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा था। जो सड़क के दोनों तरफ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिससे आवागमन काफ़ी बाधित हो रहा था। कई बार इसमें शिकायतें भी हुई हैं, शिकायत की गई थी लोगों द्वारा। तो आज वो अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया है, पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया था। कुछ लोगों ने स्वेच्छा से स्वयं हटा लिया है, और जो नहीं हटाए थे उसको नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सर, किसी तरह की अप्रिय स्थिति का सामना करना? नहीं, कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। मोटा मोटा लोगों को द्वारा विरोध किया जाता है, लेकिन उसको भी सब समझा दिया गया था, तो मान गए और स्वेच्छा से ही हटाए। भाजपा नेता शारदा गुप्ता, डॉक्टर विनोद प्रसाद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता इंद्रजीत सिंह ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए जिला और निगम प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। आज इस कार्रवाई जो हुई है नगर निगम के द्वारा, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है, और यह दुकानदार को समझना चाहिए कि भाई अपना अवैध रूप से मार्केटिंग करना ठीक नहीं है। कम से कम ग्राहकों का आने जाने का जगह तो बनना चाहिए, और इससे आपका ही धंधा बढ़ेगा, कोई नुकसान नहीं है। जो कार्रवाई होती है अच्छे के लिए होती है। भविष्य में आप लोग इस मार्केट में ध्यान रखिए और स्वच्छ बनाइए अपने मार्केट को, जिसमें बहुत सारे ग्राहक आते हैं, जगह जगह से आते हैं, और इस मार्केट का उद्धार लोगों के ग्राहक आने से ही होगा ना। तो मैं सारे व्यापारियों को निवेदन करता हूं कि अपना दुकान में ही अपना मार्केटिंग करें, यह बहुत अच्छा रहेगा। और मैं इसके लिए आयुक्त नगर निगम के द्वारा किया हुआ कार्रवाई को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं। मैं इंद्रजीत सिंह, भारतीय जनता पार्टी। निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो भी कार्रवाई आज हुई है बहुत ही सराहनीय है, और मैं चाहता हूं कि ये जो कार्रवाई आज हुई है इसका निरंतर मॉनिटरिंग होते रहना चाहिए निगम प्रशासन के द्वारा, ताकि दोबारा इस तरह का कोई ऐसा ना हो कि अवैध रूप से दोबारा इसमें अपनी दुकानें बढ़ा ली जा रही, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई पहले भी कई बार हो चुकी है। आयुक्त महोदय का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने निगम प्रशासन की तरफ से एक कमेटी, एक टीम ऐसी बनाए जो निरंतर इस संडे मार्केट का मॉनिटरिंग करते रहे। धन्यवाद। संडे बाज़ार जो बहुत अव्यवस्थित था, मैं नगर निगम के आयुक्त प्रकाश सर्वे साहब, कलेक्टर साहब और पुलिस प्रशासन को मैं बधाई देता हूँ
इन्होंने अच्छी पहल करते हुए राजनीतिक से परे हटके संडे बाजार जो लोगों के आवागमन का एक ही रास्ता था, वैशाली नगर, सुंदर नगर, पूरे कोका के क्षेत्र, लोग आवागमन में बहुत असुविधा होती थी, एम्बुलेंस निकलने में भी असुविधा होती थी। हमने फिर से 4 साल पहले शशि मोहन साहब के नेतृत्व में यह संडे बाजार साफ किया गया था, मगर अब फिर से लोग अपने दुकान की ओर आगे बढ़ते गए, रोड में ही ठेले वाले भी लगाने चालू कर दिए थे, जिससे बहुत असुविधा हो रही थी। मैं नगर निगम के सभी अधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने फिर से संडे बाजार को व्यवस्थित कराया। साथियों, संडे बाजार एक ऐसा रास्ता है कि सभी के आवागमन के लिए यह उपयुक्त रास्ता है और यहां से निकलना बहुत दुभर हो गया था। मैं आपको बता दूं कि वहीं कार्रवाई से प्रभावित एक दुकानदार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जी, ये आज ये नगर निगम के द्वारा जो आज ये कार्रवाई की गई हमारे घर के ऊपर, ये एकदम सरासर गलत की गई है सर। हमारा पापा यहाँ 1952 से रह रहा, मैं उनको पेपर दिखा रहा हूँ अपने घर का, ये पार्किंग बनाएंगे, ये करेंगे, ऐसा गलत बात है। मेरे पास पूरा पेपर है सर जी, आप चेक करवा लीजिए। मेरा घर जब निगम नहीं था तब से मेरा घर 1952 से मेरा पापा यहाँ रह रहा है। नगर निगम अधिकारियों को पूरा पेपर दिखाने के बाद भी तोड़वा दिए। कमिश्नर साहब है, जोन साहब को अधिकारी, उनको बार बार वहाँ बोला जा रहा है, मेरे सामने फोन आ रहा है कि तोड़ो तोड़ो, जो कि निगम के नेहरू सर देखे और अनिल मिश्राम सर देखे, पसीने सर आए तो वो देखे कि मेरा पूरा पेपर है। गौरतलब है कि वर्षों से प्रत्येक रविवार को सुपेला चौक से गदा चौक के बीच संडे बाजार लगता आया है। यहाँ स्थानीय दुकानदारों के अलावा अन्य जिलों से आए दुकानदार भी अपना सामान बेचते हैं। संडे बाजार में सभी स्थानीय और बाहरी दुकानदार पूरी तरह से सड़क पर काबिज होकर व्यापार करते हैं। स्थानीय दुकानदारों द्वारा दुकानों के अतिरिक्त सड़क तक सामान फैलाकर व्यापार किया जाता है। वहीं बाहरी दुकानदार मनमाने तरीके से सड़क पर कब्जा कर व्यापार करते हैं, जिससे रविवार को सुपेला चौक से गदा चौक तक का मुख्य मार्ग 99% बाधित रहता है। इस दौरान न एम्बुलेंस के लिए रास्ता बसता है और न ही किसी अन्य छोटे बड़े वाहन के लिए। पैदल गुजरते लोग भी परेशान होते हैं। सड़क पर दुकानदारी करने और वाहनों को पार्क करवाने के कारण यह स्थिति बनती है। पूर्व में सड़क पर कब्जा कर दुकानदारी करने वालों के खिलाफ और दुकानों में हुए अवैध निर्माण को ढहाने कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद कुछ समय तक स्थिति ठीक रही, लेकिन बाद में दुकानदार फिर मनमानी पर उतर आए और सड़क को घेरे में लेकर व्यापार करने लगे। दुकान होने के बावजूद सड़क तक दुकान का सामान फैलाकर व्यापार करने वाले दुकानदारों के कारण यहां आवाजाही करते लोग लगातार परेशान होते रहे। बची कसर ठेला संचालकों ने पूरी कर दी। ये भी सड़क छोड़कर ठेला लगाने की बजाय सड़क पर ही ठेला बिना किसी डर के लगाते रहे और पूरी सड़क को बाधित करते रहे। बहरहाल, अवैध कब्जों के खिलाफ रविवार को निगम प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जो निसंदेह सराहनीय है। सड़क से अवैध कब्जे हटाने से यह सड़क अब सड़क नजर आने लगी है। रविवार को इस मार्ग का अस्तित्व ही खत्म हो जाता था, केवल विभिन्न प्रकार के सामान, वाहन और भीड़ ठेले ही नजर आते थे। जिन अवैध कब्जेधारियों के कब्जे टूटे हैं, इन पर निगम प्रशासन को नज़र रखे जाने की ज़रूरत है। फिर से इनके द्वारा धीरे धीरे उसी स्थान पर अवैध निर्माण किया जाएगा, इस पर कोई शक नहीं है। ऐसी स्थिति बनने से रोकने निगम प्रशासन को सचेत रहने की ज़रूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।